Hi everyone, welcome to Unacademy NEET guys. Can you see me? Can you hear me? दिख रहा है? ओके Yes, hi guys, hi. Welcome to Unacademy and welcome to the last chapter of class 12th जो हमने इस बैच में कवर करना है. मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आज आपकी 12th ख़त्म होने वाली है. देखिए मैं zoology की बात कर रही हूँ, बॉटनी अभी चल रही है, बिल्कुल चलती रहेगी. आई विल कम्प्लीट दैट ऑल्सो. बट यू नो एक जब पोर्शन हो जाता है, जैसे हम नीट के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी zoology, तो जो zoology वाला पोर्शन हो जाता है एक क्लास का, तो एक बहुत ही रिलीफ है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स आपके कवर हो जाते हैं. जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स जो अपने सबसे पहले किए थे, 11 क्वेश्चन वहाँ से आए थे बेटा, 11 क्वेश्चन. ठीक है, ह्यूज. 4 क्वेश्चन आपके यहाँ रिप्रोडक्शन से आए थे, तो बहुत ह्यूज पोर्शन हम आज कवर करने वाले हैं. एंड आज का जो चैप्टर है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत ही मिलता जुलता है, उससे रिलेटेड चैप्टर है, उसी का एक काउंटर पार्ट है जो आज हम करने वाले हैं. देखिए हमने पूरा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कर लिया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, किस तरीके से गैमीट्स बनते हैं, कैसे फ्यूजन होती है, कैसे प्रेगनेंसी में न्यू लाइफ बनती है, किस तरीके से पार्चुरेशन और किस तरीके से लैक्टेशन होती है. देखिए वहां पर हमने प्रेगनेंसी का पूरा प्रोसेस पढ़ा. बट इन दिस chapter we are going to talk about if a couple do not want a child, then what are the various methods then they can adopt, and those methods are called as contraceptive methods. मैंने इस chapter को 2 major हिस्सों में divide किया जहाँ से question आते हैं. पहला portion रहेगा आपका contraceptive devices जो हम आज करने वाले हैं. कल हम करेंगे कि जो कपल्स चाहते हैं प्रेग्नेंट होना बट वो किसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं, देयर इज सम इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, उन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम का मेडिकल साइंसेस के पास क्या क्या सोल्यूशन है. कल बात करी थी कि प्रेगनेंसी की जर्नी क्या है, आज बात करेंगे कि हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी, कल बात करेंगे दैट दे वांट टू गेट प्रेग्नेंट बट दे आर अनएबल टू गेट प्रेग्नेंट, तो क्या मेडिकल साइंसेज में अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं. समझ रहे हो, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू प्रेगनेंसी ओवर हियर. ठीक है, आज बात करनी है दैट अ कपल वांट्स टू क्रिएट स्पेस बिटवीन चिल्ड्रन, दे डू नॉट वांट चाइल्ड, तो वो कौन से मेथड्स अडॉप्ट करेंगे. दोज मेथड्स आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. ठीक है, यस बेटा, दोज मेथड्स आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. मुझे लगता है मैंने कल वाली पीडीएफ शेयर नहीं किया, ऐसा मुझे लग रहा है. डिड आई शेयर इट, डिड आई और नॉट? हाँ जी, हाँ बेटा मैं तुम्हें सुन रही हूँ. क्या मैम आप मुझे सुन पा रहे हो? बेटा मैं सबको सुन पा रही हूँ. सोफिया बेटा आप कह रहे हैं कि एनिमल किंगडम के लेक्चर नहीं मिल रहे. बेटा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक ट्री मिलेगा, लिंक ट्री में मंथन 1.0 देखना, मतलब पिछली बार वाला मंथन वाला प्लेलिस्ट खोल के देखना, उसमें एनिमल किंगडम कराया हुआ है, बिल्कुल कराया हुआ है, तो वहाँ से जाके कर सकते हैं. नहीं तो मार्च में जब हम यहाँ पर 11th शुरू करेंगे तो यहाँ पर भी एनिमल किंगडम होगा ही होगा, आप तब लाइव भी अटेंड कर सकते हैं. अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो रिलीज़ किया था सच और झूठ वाला. Did you get a chance to watch that video? मैंने आपके साथ अभी टेलीग्राम पे लिंक भी शेयर किया. मैंने आपको उसमें बताया कि नीट का एग्ज़ाम जो सब बोलते आ रहे हैं कि जून में होगा, क्या वो होने के चांसेस हैं या नहीं है. इट वॉज़ अ फैक्ट चेक काइंड ऑफ वीडियो, जिससे आप किसी गलत यू नो रास्ते पे ना निकल जाएं. तो वो वीडियो टाइम निकाल के ज़रूर देख लेना, 4-5 मिनट का ही वीडियो है. ठीक है, हाँ जी, चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. स्टार्ट करें? ओके, लेट अस स्टार्ट. देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या मतलब समझते हैं. हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जिसमें हम सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पर हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक अलग हेल्थ डिवाइड कर दी है. दैट यहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी कैसे रखना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे ग्रो करता है, कब ग्रो करता है, कौन से हॉर्मोन्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी एक्सेप्टेंस एंड इनको पॉजिटिवली यूज़ करने वाले हेल्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं. देखिए ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, बिकॉज़ फिज़िकल हेल्थ के बारे में हमें बताने वाले बहुत लोग हैं, बीमारी के बारे में बताने वाले बहुत लोग हैं, बट ये जो एक टॉपिक है ये एक तरीके से टैबू है, इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, ओपनली बात नहीं करते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये किस तरीके से मैच्योर हो रहा है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, या इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है, आज उन सारे इश्यूज के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया ओपनली घर में कोई बात नहीं करता है, तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, एज अ टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, एज अ चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया आपकी बुक्स में। ये जो बेटा आपकी किताब में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर है, दैट इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू स्प्रेड नॉलेज अबाउट सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन यानी कि मेल और फीमेल सेक्स में क्या क्या डिफरेंट चेंजेस आते हैं, स्पेशली इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, किस तरीके से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, अगर वो हार्मोन रिलीज होगा तो क्या क्या चेंजेस बॉडी में लेकर आएगा, इस सब की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बाकी सिस्टम की हमें नॉलेज होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए। तो एज एन इनिशिएटिव कि हम ये नॉलेज इस एज से ही आप तक पहुंचा पाए, जैसे आप बाकी सिस्टम पढ़ रहे हैं वैसे ही बेटा आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये वाला चैप्टर भी पढ़ाया जा रहा है। देखिए पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन हमारी कंट्री का बहुत बड़ा इशू है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी कंट्री में दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी कंट्री में दिक्कत है हमारी पॉपुलेशन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो 1 in every 6 person इन वर्ल्ड इज इंडियन, समझ रहे हो, मतलब इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम पूरे वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इसमें हमें सेकंड आने में कोई खुशी नहीं हो रही है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो हम कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उतनी ज़्यादा इलिटरेसी होगी, और हमारे पास एरिया के अकॉर्डिंग वी आर वेरी मच पॉपुलेटेड, ठीक है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और अवेयरनेस फैलाने के लिए इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री, यस, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च फैमिली हेल्थ प्रोग्राम, जिसका क्या नाम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें रिप्रोडक्शन रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी, जिसमें मदर की केयर की जाएगी जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के बाद बेटा मदर जो लैक्टेटिंग मदर है उसकी केयर की जाएगी, क्योंकि आप जानते हो सिर्फ ये सेक्स एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है, सिर्फ टीन एज तक लिमिटेड नहीं है। पहले के ज़माने में प्रेगनेंसी पर बहुत कम फोकस किया जाता था, प्रेगनेंसी में मदर की केयर, प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की केयर, प्रेगनेंसी के बाद मदर की केयर इतने अच्छे से नहीं करी जाती थी। तभी उस टाइम पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि इन्फेंट का डेथ रेट, तभी उस टाइम पर मैटर्नल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता था। अब उस चीज़ को हमको क्या करना है, कम करना है। वो कैसे कम होगा, जब हम इस चीज़ के उनके हेल्थ केयर पर फोकस करेंगे। तो इंडिया ने सबसे पहले इस पे इनिशिएटिव लिया पूरे वर्ल्ड में। ये एक प्राउड वाली बात है दैट इंडिया इज़ अ फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च फैमिली हेल्थ केयर प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम का बेटा क्या नाम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। सो द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बेटा आज भी आपका ओपन हाउस सेशन है, तो डू नॉट वरी, आज मैं ओपन हाउस सेशन लूँगी राइट आफ्टर दिस क्लास, तो क्लास में जुड़े रहना। मैं क्लास के दौरान ही आपके साथ लिंक शेयर करूँगी एंड में ऑन टेलीग्राम, ठीक है, जिसमें आप हर बच्चा मेरे से बात कर सकता है। ये सेशन मुझे लगता है हमारे लिए तो एक वरदान है। मुझे इतना अच्छा लगता है आप सबके व्यू पॉइंट जान के, आई फील सो ब्लेस्ड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर मैं हर बच्चे से इंटरैक्ट कर सकती हूँ, उनके डाउट सॉल्व कर सकती हूँ, और मेरी नॉलेज किसी काम आ रही है। आई फील प्राउड दैट आई एम एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन योर जर्नी। अगर मैंने 1% भी आपकी जर्नी में, आप चाहे कुछ भी बने, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बेटा मेरी लाइफ तो सफल है। तो वो सेशन कोई मिस ना करे, डू अटेंड दैट, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCH प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1951, और इंडिया एक पाइनियर है इसमें। इंडिया इज़ अ पाइनियर, पाइनियर होता है बेटा जो काम सबसे पहले करता है। इंडिया इज़ अ फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च दिस प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे टास्क लिए गए, क्या क्या बेटा इसमें इनिशिएटिव लिए गए कि अपने लोग क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है, फैला रहे हैं अपने लोग। बेटा इसको कैसे अवेयरनेस फैलाएंगे, सेक्स एजुकेशन के थ्रू। अपने लोग बेटा क्या करेंगे, हेल्थ केयर पे काम करेंगे, हेल्थ केयर पे काम करेंगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कि मदर का डेथ रेट और इन्फेंट का डेथ रेट क्या होगा जिससे कम होगा। वी विल ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू STDs। प्लस बेटा इसमें एक और इनिशिएटिव लिया गया कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि हमारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन कम हो पाए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में लोगों को प्रिंट मीडिया के द्वारा बताया जाएगा। प्रिंट मीडिया होता है न्यूज़पेपर। ऑडियो मीडिया के बारे में बताया जाएगा यानी कि रेडियो। वीडियो मीडिया के थ्रू बताया जाएगा यानी कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर की मदद से हम लोग फैलाएंगे इस चीज़ को कि जितना छोटा परिवार होता है उतना सुखी परिवार। छोटे का मतलब है नंबर ऑफ किड्स शुड बी लिमिटेड इन अ फैमिली जो एक पेरेंट सपोर्ट कर पाए, रादर देन हैविंग 10 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिससे मदर की हेल्थ को भी अफेक्ट होता है, साथ ही में आप इतने लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते हो। तो छोटा रखिए लेकिन एक स्ट्रांग लिटरेट फैमिली बनाइए, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया गया। साथ ही में बेटा इसी के अंदर द इनिशिएटिव वॉज टू स्टॉप द यूज और टू स्टॉप द मिस यूज ऑफ बेटा एमनियोसेंटेसिस। हाँ जी, अब ये एमनियोसेंटेसिस क्या चीज़ है? एमनियॉन कल वाली कक्षा में किया था हमने। कल हमने सीखा था कि एमनियॉन इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड। यहाँ पे समझना, ये आपका फीटस है, ठीक है। फीटस डेसिकेट ना हो जाए इसीलिए इस फीटस के अराउंड एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाई जाती है। इस मेम्ब्रेन का नाम है एमनियॉन। एमनियॉन क्या करती है? अंदर एक फ्लूइड रिलीज करती है एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। अब बेटा इस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल्स किसके होते हैं? फीटस के भी होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इस टेक्निक में, एमनियोसेंटेसिस में बेटा एक सिरिंज की हेल्प से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ कौन बाहर आ जाएंगे? फीटस के सेल्स बाहर आ जाएंगे। इन फीटल के सेल्स की क्या करी जाती है? कैरियोटाइपिंग करी जाती है। क्या करी जाती है बेटा जी? कैरियोटाइपिंग करी जाती है। कैरियोटाइपिंग का मतलब है किसी भी टाइप का क्रोमोसोमल एबरेशन है वो पता लगा सकते हो आप। क्रोमोसोमल प्रॉब्लम यानी कि जेनेटिक इश्यूज कैन बी फाउंड आउट बाय दिस। जेनेटिक इश्यूज स्पेशली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब बेटा अगर तुम्हें क्रोमोसोम के बारे में पता चल गया तो तुम ये भी तो पता लगा सकते हो कि XX है या XY है ना। ये भी तो पता लगा सकते हो कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज मेल और फीमेल। तो यही दिमाग लगाया हमारे इंडियंस ने कि भैया एमनियोसेंटेसिस बनाई तो गई थी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता लगा पाए, लेकिन हमने इसका यूज़ किसके लिए किया? ये पता लगाने के लिए कि जो अपकमिंग फीटस है वो मेल है या फीमेल है। इस चीज़ की वजह से पता लगने लग गया कि ये फीटस किसका है, गर्ल चाइल्ड का। पीपल स्टार्टेड अबॉर्टिंग गर्ल चाइल्ड, इट लेड टू फीमेल फीटिसाइड। तो जब पता चला कि एमनियोसेंटेसिस का यूज़ होने की जगह क्या हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, तब इस टेक्निक को बैन कर दिया गया। राइट नाउ एमनियोसेंटेसिस बेटा जी इट इज़ बैंड इन इंडिया। वाई? सो दैट हम इसका मिसयूज़ जो कि फीमेल फीटिसाइड के लिए हो रहा था उस चीज़ को रोक पाए। यस बेटा उस चीज़ को रोक पाएं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि एमनियोसेंटेसिस क्या क्या कर सकता है? एमनियोसेंटेसिस क्या क्लेफ्ट पैलेट के बारे में पता लगा सकता है? बेटा एमनियोसेंटेसिस सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगा सकता है। आपको डाउन सिंड्रोम है, टाउ सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर है, टर्नर सिंड्रोम है, इन सब के बारे में एमनियोसेंटेसिस कैन हेल्प, बट एमनियोसेंटेसिस कैन नॉट हेल्प इन केस ऑफ एनी डिसऑर्डर विच इज़ नॉट जेनेटिक लाइक क्लेफ्ट पैलेट। तो ये आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि एमनियोसेंटेसिस टेक्निक किसके लिए यूज़ होती है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसीलिए मैं इस पर हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। अब इसी के अंदर इसी RCH प्रोग्राम के अंदर इंडिया ने एक और बहुत अच्छा काम किया। वैसे तो वो काम मैं अभी थोड़ी देर बाद बताने वाली थी बट मैं उसका नाम लिख देती हूँ। जैसे इंडिया RCH प्रोग्राम में नंबर वन है, वी आर द फर्स्ट वन टू लॉन्च अ फैमिली हेल्थ केयर प्रोग्राम। वैसे ही इंडिया इज द फर्स्ट वन टू लॉन्च अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विच इज़ नॉन स्टेरॉयडल। इंडिया पहली कंट्री है बेटा कोई नॉन स्टेरॉयडल एंड नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाने में। एंड दैट पिल बेटा जी इज कॉल्ड एज सहेली। सहेली कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम बात करेंगे कुछ ही देर में, आज ही बात करेंगे। बट ये भी एक इनिशिएटिव था, ये इनिशिएटिव लिया लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट ने विच इज़ कॉल्ड एज CDRI लखनऊ। CDRI क्या है बेटा? CSIR फंडेड इंस्टीट्यूट है विच इज़ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये एक ऐसा सेंटर है जिसने दुनिया में सबसे पहले नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉयडल पिल बनाए। इंपॉर्टेंट चीज़, इस पिल का नाम तो वैसे सेंटक्रोमैन है बट इसकी मार्केटिंग, इसको बेचा जाता है बाय द नेम ऑफ सहेली। ठीक है, तो CDRI का नाम याद रखेंगे, CDRI का नाम याद रखेंगे सब। हाँ जी, CDRI इज इन लखनऊ। तो लखनऊ वाला यू ऑल कैन फील प्राउड। वैसे तो होल इंडिया इज़ प्राउड इन दिस एंड दिस इज़ अ रियली बिग इन्वेंशन। इससे बहुत चीज़ें सॉल्व होती हैं। हाँ जी, आगे चले। एमनियोसेंटेसिस के बारे में पता चल गया जो कि फीटल एबनॉर्मैलिटीज़ के बारे में बताता है। ओके, यस। हाँ जी बेटा, मैंने बोला तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो सकता है एमनियोसेंटेसिस, तो वो जेंडर क्लासिफिकेशन ही और क्या है ना। बट ये बैंड है, द टेक्निक इज नाउ बैंड। चलिए, अब इस चैप्टर में बेटा आप नोटिस करोगे थोड़े थोड़े ना वो भी दिए हुए हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी। जैसे अगर बात करें इन द ईयर 1900 में देखें तो बेटा वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन। वही बेटा 2000 में देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई, बढ़कर 6 बिलियन। ठीक है, ये तो बात थी बेटा वर्ल्ड की। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन से कितनी हो चुकी है, 6 बिलियन हो चुकी है 100 सालों में। अगर इंडिया की स्थिति देखें, इफ़ आई सी इंडिया, इंडिया बेटा 1947 में कितना था, 350 मिलियन था, 350 मिलियन जब आज़ादी हुई थी उस टाइम पे। और मई 2000 में कितना था बेटा, 1 बिलियन। ठीक है, 2011 में कितना था बेटा, 1.21 बिलियन। समझ रहे हो कैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बन रही है और उस पॉपुलेशन में इंडिया का कितना योगदान है। इन द ईयर 2000 वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वाज 6 बिलियन एंड इन द ईयर 2000 इंडियाज़ पॉपुलेशन वाज 1 बिलियन। इतना बड़ा वर्ल्ड है, इंडिया बेचारा इतना सा कंट्री है, बट 1/6 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिया। जब वर्ल्ड 6 बिलियन पे था, हम लोग 1 बिलियन पे थे, राइट? दैट मीन्स एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। यही सब देखते हुए बेटा हम लोग प्लान लेके आए कि नंबर ऑफ किड्स जो हैं वो कम होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, जिसके लिए हम लोग लेके आए कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। पॉपुलेशन बढ़ने के रीज़न क्या है, आप खुद जानते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के रीज़न है कि हेल्थ केयर अच्छा होता जा रहा है, मेडिसिन अच्छी हो रही है, प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है वेस्ट का, एंड यू नो IMR कम हो रहा है, मोर्टालिटी रेट, डेथ रेट कम होता जा रहा है, इन्फेंट्स का भी, मेटर्नल भी, जिस वजह से पॉपुलेशन का दर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमको इसको कंट्रोल करना है एंड वन मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन इज़ वाया यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, वाया यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। आ हा हा, येस, पीपल आर सेइंग मैम आज से 10 साल बाद बुक्स में ये भी आएगा दैट दीज टू कंसेक्यूटिव लॉकडाउन्स ऑल्सो यू नो एनहांस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। वैसे बात तो यार सही कह रहे हो, बात तो सही कह रहे हो। बहुत बच्चे आए हैं, बहुत बच्चे आए हैं। बेटा इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जब इंट्रोड्यूस किए गए तो उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्लोगन्स भी यूज़ किए। जैसे स्लोगन आया हम दो हमारे दो, ठीक है, इफ़ वी आर 2 पीपल देन वी शुड ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ये सब स्लोगन्स प्रिंट करे गए, न्यूज़पेपर में, टीवी में दिखाए गए, रेडियो में चलाए गए, जिससे एक आम आदमी के दिमाग में घुस जाए कि अगर छोटा परिवार होगा तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और सबकी केयर भी कर पाएंगे और सबको लिटरेट भी कर पाएंगे। यस, सबकी केयर भी कर पाएंगे। ओके, सो नाउ मूविंग टू द टाइप्स ऑफ। बेसिक समझ आ गया, इंट्रोडक्शन समझ आ गया, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अभी मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस स्टार्ट ही नहीं की, आई हैव नॉट स्टार्टेड द मेन पार्ट। ये बिल्कुल बेसिक है, 2 पेज में दिया हुआ है NCERT में। आज जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद हमारी एक क्लास है। क्लास पिन नहीं हुई क्या? ओहो, लेट मी जस्ट चेक इट। हाँ जी, अभी क्लास में पिन करा देती हूँ, यहाँ पर पिन हो जाएगी यानी कि चैट बॉक्स में आपको दिखेगी। तो आज आपके 3 काम है, पहले क्लास अटेंड करना, ओपन हाउस अटेंड करना, मेरे साथ क्लास लगाना और फिर एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। ये 2 पेज बेटा बेसिक्स है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, आप इसको समझ जाएंगे। चलिए, तो ये बात हो गई अपने बेसिक्स की। मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर द मेथड्स which are used to avoid any unwanted pregnancy। अगर कोई कपल है जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता है तो जो वो मेथड्स यूज़ करता है, दोज मेथड्स आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज इट विद द वर्ड कंसेप्शन। ये बेटा मिलते जुलते ही वर्ड्स है, कॉन्ट्रासेप्शन एंड कंसेप्शन, नाम मिलता जुलता है बट मीनिंग ऑपोजिट है। कॉन्ट्रासेप्शन इज अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, कंसेप्शन इज गेटिंग प्रेगनेंट। Here we are talking about avoiding pregnancy, so we'll talk about contraceptive methods. So methods to avoid unwanted pregnancy, methods to avoid unwanted pregnancy, those methods are called as contraceptive method. Ab कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो अच्छा माना जाता है, विच इज़ अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ अ वन विच इज़ यूजर फ्रेंडली। द पर्सन और द कपल हु आर यूजिंग इट, दे फाइंड इट ईजी टू यूज। सो मेथड होना चाहिए बेटा यूजर फ्रेंडली। कैसा मेथड होना चाहिए? यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से हर जगह पर अवेलेबल हो, हर कोने में, हर गांव में, हर टाउन में अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में अवेलेबल है। सो इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, इट शुड बी, द मेथड शुड बी ईजीली अवेलेबल। साथ ही में ये जो मेथड है ये चीप होना चाहिए, यानी कि सस्ता होना चाहिए, बहुत महंगा, लाखों में या हज़ारों में इसका कॉस्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रीजनेबल इन कॉस्ट, इट शुड बी हाईली इफेक्टिव, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन का काम अच्छे से करे। इट शुड नॉट डिस्टर्ब इन सेक्सुअल डिज़ायर और द सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, यस, एंड इट शुड बी रिवर्सिबल। जितनी हद तक पॉसिबल हो उतनी हद तक ये मेथड क्या हो, रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल होने का मतलब है कि जब आप चाहें तो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर पाएँ, जब आप चाहें तो फिर से प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ पाएँ। यानी कि ये कपल के हाथ में होना चाहिए कि व्हेन दे वांट कंसेप्शन एंड व्हेन डू दे वांट कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, यस, तो ये सारी चीज़ें किसके हाथ में होनी चाहिए? ये सारी चीज़ें हाथ में होनी चाहिए कपल के। तो अगर ये सारे फीचर्स किसी ना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हैं, साथ ही बेटा एक और फीचर कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। इट शुड हैव लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स। अगर बेटा ये सारे फीचर्स किसी ना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हैं, दैट मेथड इज कंसिडर्ड टू बी एज द गुड मेथड। ठीक है, ये मेथड अच्छा मेथड माना जाता है। चलिए स्टार्ट करें विद द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी बोलते हैं इनको। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कंट्रोल मेथड्स। आज बहुत सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, इसीलिए ये क्या हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड एज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल मेथड बेटा वो मेथड है जिसमें हमने कुछ नहीं यूज़ किया है, सिर्फ दिमाग यूज़ किया है। नेचुरल मेथड एक वो मेथड है जिसमें सिर्फ हमने साइंस को यूज़ करके एक सेफ वे निकाल लिया है, जिसमें कोई भी डिवाइस, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी टेबलेट, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। ये जो मेथड है ये आसानी से करा जा सकता है, कोई भी इसको अडॉप्ट कर सकता है, बट इसका फेलियर रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आज हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड करेंगे ना, उन हर एक मेथड का हम MOA लिखेंगे। MOA बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे हर मेथड का? MOA। MOA स्टैंड्स फॉर मोड ऑफ एक्शन, कि ये मेथड काम कैसे किया, इस मेथड ने प्रेगनेंसी को अवॉइड कैसे किया। ठीक है, यस, स्टार्ट करते हैं बेटा। नेचुरल मेथड में फर्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज कॉल्ड एज द रिदम मेथड। पहला जो इसमें आएगा वो कौन सा आएगा? रिदम मेथड। रिदम और द कैलेंडर मेथड। हाँ जी, फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज रिदम और द कैलेंडर मेथड। ये कैलेंडर मेथड कहता है कि तुम कैलेंडर देख के काम करो, कैलेंडर देखो और फीमेल का फर्टाइल पीरियड निकाल लो। जब तुमने कैलेंडर में से फीमेल का फर्टाइल पीरियड निकाल लिया, उस फर्टाइल पीरियड में सेक्सुअल इंटरकॉर्स मत करो। अगर फर्टाइल पीरियड में सेक्सुअल इंटरकॉर्स नहीं होगा, बाकी के इनफर्टाइल टाइम पे होगा, तो बेटा प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। तो कैलेंडर मेथड में दिस मेथड सेज दैट वन शुड, अ कपल शुड एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है अवॉइड करना, एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकॉर्स ड्यूरिंग द फर्टाइल फेज ऑफ फीमेल, ड्यूरिंग द फर्टाइल डेज ऑफ फीमेल। अच्छा, ये तो बड़ा आसान मेथड लग रहा है, दैट वन शुड अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द फर्टाइल फेज। अब इसमें डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट बेटा ये है कि फाइंड आउट करो फीमेल का फर्टाइल पीरियड कौन सा है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द फर्टाइल पीरियड ऑफ द फीमेल। मान लीजिए फीमेल का साइकिल कितना है? हाँ जी, मान लीजिए बेटा फीमेल का साइकिल कितना है? 28 डेज का ले लिया, 20 मान लेते फीमेल का साइकिल कितना है बेटा? 28 डेज़ का। तो इस 28 डेज़ के साइकिल में कौन से डेज़ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल हैं? फर्टाइल का मतलब है उस समय पर प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। देखिए, अगर मैं देखूँ 28 डेज़ के साइकिल में ओव्यूलेशन कब होती है? 14 डे होती है, ओव्यूलेशन 14 डे होती है। ध्यान से सुनना बेटा, मैं यहाँ पर फर्टाइल फेज निकाल रही हूँ, बिल्कुल फोकस से। ओव्यूलेशन किस दिन होती है? 14 डे होती है। 2 दिन पहले 2 दिन बाद में भी हो सकती है। 2 दिन पहले का मतलब है कि ओव्यूलेशन बेटा 12वें दिन भी हो सकती है, 16 दिन भी हो सकती है, 16th डे पर भी हो सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए स्पर्म्स ने एंट्री ली 10th डे पर, टेंथ डे पे बेटा जो स्पर्म आए वो 2 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है? अराउंड 48 आवर्स। तो अगर बेटा ये स्पर्म 10th दिन पर आया तो ये 12th डे तक सर्वाइव कर लेगा। यानी कि ये सारा पीरियड बड़ा ही रिस्की पीरियड है कि अगर ओव्यूलेशन 12th डे हुई, स्पर्म 10th डे आए, तो स्पर्म तो बेटा 12th डे तक जिंदा रह लेंगे। दूसरी चीज़, अगर बेटा ओव्यूलेशन 16th डे भी हुई, जो ओवा है वो 24 आवर्स सर्वाइव कर सकता है, यानी कि ओवा कैन सर्वाइव टिल 17th डे। तो इनमें से किसी भी दिन में अगर स्पर्म्स हैं, सेक्सुअल इंटरकॉर्स है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स है, तो बेटा प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। तो जो फर्टाइल पीरियड हुआ वो कौन सा हुआ? फर्टाइल पीरियड हुआ फ्रॉम 10th to 17th डे इन अ 28 डे साइकिल। अगर किसी फीमेल का बेटा साइकिल कितना है? 28 डेज़ का है, तो 10 टू 17 डेज रिस्की फेज है, उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी अवॉइडेड। तो बेटा इसमें कैसे, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द मोड ऑफ एक्शन? मोड ऑफ एक्शन क्या है कि हम स्पर्म और ओवा को मीट नहीं करने दे रहे हैं। स्पर्म और ओवा के रिलीज होने का समय ही क्या है? डिफरेंट है। स्पर्म और ओवा के रिलीज होने का टाइम डिफरेंट है। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत बेटा ये है, सुनने में तो आसान लगता है, प्रॉब्लम ये है कि हर फीमेल का साइकिल 28 डेज़ का नहीं होता है। किसी का 29 का है, किसी का एक महीने 28 का, दूसरे महीने 30 का हो गया। आप पहले नहीं बता सकते कि मेरा ये वाला साइकिल कितने दिन का होगा। हर फीमेल के लिए डे ऑफ ओव्यूलेशन 14th डे नहीं होगा, किसी के लिए 16 डे हो सकता है अगर 30 डे साइकिल है, किसी के लिए 18th डे हो सकता है अगर 32 डे साइकिल है। यानी कि द चैलेंजेस टू फाइंड आउट द करेक्ट डे ऑफ ओव्यूलेशन, जो हर फीमेल पता नहीं लगा सकती। देखो, तुम तो मेडिसिन पढ़ रहे हो, तुमको थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट क्या ये नॉलेज जेई के बच्चे को आ सकती है? क्या ये नॉलेज कॉमर्स वाला बच्चा उसी एफिशिएंसी से ले सकता है? नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको मेडिसिन के बेसिक्स नहीं पता। तो इसका ड्रॉबैक ये है दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द फर्टाइल पीरियड फॉर ईच एंड एवरी फीमेल। डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालने के लिए बेटा गैस किए जाते हैं, गैस वर्क होता है। ओव्यूलेशन निकालने का क्या गैस वर्क होता है? ओव्यूलेशन का गैस वर्क है कि उस दिन जो तुम्हारा बेसल बॉडी टेम्परेचर है ना, फीमेल का बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो रोज़ फीमेल अगर अपने थर्मोमीटर से मेजर करें अपनी बॉडी का टेम्परेचर, तो कुछ डिग्री टेम्परेचर बढ़ा होगा ड्यूरिंग द डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो वहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ये ओव्यूलेशन का डे था, बट ये अंदाजे वाली बात है। ठीक है, साथ ही में माना जाता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे जो सर्विकल म्यूकस होता है वो सबसे ज़्यादा थिक होता है, ऐसा माना जाता है। सो एट दिस टाइम द म्यूकस इज़ वेरी वेरी स्लिपरी ठीक है। इस टाइम पर जो म्यूकस है वो क्या होता जाता है, ड्राई होता जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है। इस टाइम पर म्यूकस क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे स्लाइमी होता जाता है, थिन होता जाता है, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। सर्विकल म्यूकस से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डे ऑफ ओव्यूलेशन कितना है। बट बेटा ये सब अंदाज़ा है, ऑल दिस इज अंदाज़ा, बिकॉज सेफ पीरियड को कैलकुलेट करना, ये पीरियड कौन सा है, सेफ पीरियड, सेफ पीरियड को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए कैलेंडर मेथड का फेलियर रेट बहुत हाई है। समझ गए? यस, कैलेंडर मेथड का बेटा फेलियर रेट बहुत हाई है। ठीक, चलिए, तो पहला मेथड हो गया कैलेंडर मेथड। मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ नेचुरल मेथड। सेकंड टाइप ऑफ नेचुरल मेथड इज कॉल्ड एज कोइटस इंटरप्टस, coitus interruptus. It is also called as withdrawal method. It is also called as beta ji withdrawal method. अब ये coitus interruptus में क्या हो रहा है? In this method, the male partner, ये किसके द्वारा किया जाएगा? Male partner. Male partner has to withdraw. Male partner has to withdraw the copulatory organ just before ejaculation. जस्ट बिफोर एजैकुलेशन मेल पार्टनर को पीनस को विड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम द कॉपुलेटरी कैनाल ऑफ फीमेल जस्ट बिफोर द एजैकुलेशन, सो दैट जो सीमेन है, सीमेन है वो फीमेल की बॉडी के बाहर ही रह जाए, फीमेल आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, सो दैट सीमेन इज रिलीज्ड आउटसाइड आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, तो ये मेथड हो गया कोइटस इंटरप्टस, वेयर द मेल पार्टनर हैज टू विड्रॉ द कॉपुलेटरी ऑर्गन राइट बिफोर द इजैकुलेशन सो दैट सीमेन इज नॉट रिलीज्ड इनटू द वजाइना, रादर इट इज रिलीज्ड आउटसाइड। अब यार ये मेथड का भी फेलियर रेट बहुत हाई है। व्हाई द मेथड्स फेलियर रेट इज वेरी हाई? इस मेथड का बेटा जी फेलियर रेट इसीलिए हाई है क्योंकि इस मेथड में मेल्स के द्वारा बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, मेल के द्वारा क्या चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, और कई बारी सेल्फ कंट्रोल है भी तो बेटा इजैकुलेटरी नहीं, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में भी क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपने इजैकुलेटरी फ्लूइड को तो बचा लिया, सीमेन को तो बचा लिया, लेकिन जो सीमेन से पहले फ्लूइड में सिक्रीशन है उसमें भी स्पर्म होते हैं, तो वो तो बेटा एंट्री मार लिए, वो तो एंट्री कर गए, और वो एंट्री कर गए तो वहाँ से रिप्रोडक्शन, वहाँ से फर्टिलाइजेशन हो सकती है। इसी वजह से ये जो मेथड है इसका फेलियर रेट भी क्या है, हाई है। ठीक है, इसका फेलियर रेट भी क्या है, हाई है। मिस दीक्षा सिंह बेटा यहाँ पर मैनी स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग टुगेदर, तो एक बच्चे के लिए बेटा मैं वापस तो नहीं जाऊँगी, तो वट यू कैन डू, यू शुड गो बैक एंड लिसन टू इट केयरफुली वंस अगैन। आप रिकॉर्डिंग में जाइए या अभी थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, यही तो फ़ायदा है यार ऑनलाइन का। ऑनलाइन में अगर एक चीज़ मिस हो गई, एक लाइन मिस हो गई, थोड़ा सा देखा नहीं, लेट आए, वो सब आप बैक जाके कर सकते हो, रादर देन आस्किंग द टीचर कि मैम आप पूरी क्लास को बैक ले जाओ। आपके लिए बेटा पूरी क्लास तो बैक नहीं जाएगी, जाना भी नहीं चाहिए, है ना, राइट? हाँ जी अभिषेक, एमनियोसेंटेसिस के अलावा भी और बहुत टेक्निक्स है जिससे आप पता लगा सकते हो। एनीवे, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड, तो मेरा इससे रिलेटेड ही आस्क मी एनीथिंग है, Q&A सेशन है इन माई ओपन हाउस। ओपन हाउस में ज़रूर आइएगा। आज मैं टेलीग्राम पर लिंक शेयर करूँगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए सब बच्चे, t.me/seepmam। क्या है टेलीग्राम, t.me/seepmam, या फिर सर्च करो सीप पाहुजा बायोलॉजी। यहीं पर मैं PDF भेजती हूँ सारी, और यहीं पर बेटा जी आपको ये ओपन हाउस का लिंक भी रोज़ मिलता है, दैट इज़ t.me/seepmam और सीप पाहुजा बायोलॉजी के नाम से सर्च करिए। चलिए, तो दो मेथड हो गए। तीसरा नेचुरल मेथड और आखिरी नेचुरल मेथड है लैक्टेशन एमेनोरिया। एमेनोरिया समझ गए? एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये हमने कल डिस्कस किया था, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, लैक्टेशन मतलब ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त बेटा मिल्क बन रहा होता है, मिल्क बनने का मतलब है इस वक्त प्रोलैक्टिन का लेवल फीमेल की बॉडी में क्या होता है, बहुत हाई होता है। ये जो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन है, इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक, इट बेटा जी गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बेटा जाकर नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक देता तो एफएसएच का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एफएसएच का लेवल कम होने की वजह से द ओव्यूलेशन इज प्रिवेंटेड। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगी तो प्रेगनेंसी कहाँ से हो सकती है। लेकिन बेटा ये जो साइकिल है ना कि प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, एफएसएच रुकेगा, ओव्यूलेशन टल जाएगी, ये साइकिल वैलिड है कितने समय तक। दिस इज वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 6 months। पहले 6 महीने, बच्चे के जन्म के बाद पहले 6 महीने तक आप इस टेक्निक को वैलिड समझ सकते हैं, क्योंकि पहले 6 महीने तक बच्चा सिर्फ मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट है। उसके बाद बच्चा सॉलिड फूड खाने लगता है, ही स्टार्ट ईटिंग खिचड़ी, दलिया, दाल, ये सब चीज़ें खाने लगेगा। तो इसीलिए ये जो लैक्टेशन एमेनोरिया पे रिलायबिलिटी है वो सिर्फ पहले 6 महीने है। उसके बाद चाहे एमेनोरिया है चाहे तब भी ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेथड गारंटी नहीं लेगा। लेकिन यस, आप फर्स्ट 6 months में अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस वक्त नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। यस, चलिए ओके बेटा, विद दिस वी आर डन विद द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हर नेचुरल मेथड में हमने देखा कि हम स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन नहीं रोक रहे हैं, बन रहा है। हम स्पर्म और ओवा का ट्रांसपोर्टेशन नहीं रोक रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, बट वी आर अवॉइडिंग द मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। हम उनको मिलने से रोक रहे हैं कि अलग अलग समय पे दोनों को रिलीज करा रहे हैं। वी आर अवॉइडिंग द मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। इसके बाद बेटा वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट इज बैरियर मेथड। अब हम बैरियर मेथड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी, बैरियर मेथड डिस्कस करने वाले हैं। बैरियर मेथड बेटा इट इन्वॉल्व्स अ फिजिकल बैरियर। इसमें क्या होगा, कोई ना कोई बेटा फिजिकल दीवार होगी। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, यानी कि देयर इज अ फिजिकल बैरियर विच इज़ नॉट अलाउिंग द मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। जो बेटा स्पर्म को ओवा तक पहुँचने ही नहीं दे रहा है ना, जो स्पर्म को ओवा तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है, उस मेथड को अपने क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड बोलते हैं। ये बैरियर मेथड बेटा मेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन बैरियर मेथड्स विच आर अडॉप्टेड बाय मेल्स, देयर आर सर्टेन बैरियर मेथड विच आर यूज्ड बाय फीमेल्स ऑल्सो। हाँ जी, द मेथड्स दीज आर यूज बाय मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। देखिए मेल्स के द्वारा जो बैरियर मेथड यूज होता है, वन ऑफ द बैरियर मेथड इज द यूज ऑफ कॉन्डम्स। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, क्योंकि बेटा ये यूजर को प्राइवेसी भी देता है, साथ ही में यूज ऑफ द बैरियर मेथड ऑल्सो प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और किसी से प्रिवेंट नहीं होती है। ये बैरियर मेथड डुअल काम करता है, प्रेगनेंसी को भी रोक रहा है, साथ में एसटीडी को भी प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल वेरी पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स इज निरोध। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये ब्रांड का नाम हमको पता होना चाहिए। कॉन्डम्स क्या होंगे, दे आर मेड अप ऑफ लेटेक्स, दे आर वॉर्न ओवर द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल। तो जो सारा सीमेन है वो कौन कलेक्ट कर लेगा, ये बैरियर मेथड। अगर सारा सीमेन ही बैरियर मेथड के अंदर है तो बेटा फीमेल की बॉडी में तो कुछ नहीं गया। अगर फीमेल की बॉडी में कुछ नहीं गया तो दैट मीन्स फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो ये जो बैरियर मेथड है दिस इज यूज्ड बाय मेल्स। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर मेथड विच इज यूज्ड बाय फीमेल इज फीमेल कॉन्डम्स। फीमेल कॉन्डम्स भी आती हैं बेटा विच आर कॉल्ड एज फेमिडॉम्स। ये क्या होता है, कप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एंड ये कप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज वॉर्न ओवर द वजाइना, जो कि सारे सर्विक्स को कवर कर लेगा। तो ड्यूरिंग इंटरकॉर्स होल ऑफ द सीमेन वुड बी कलेक्टेड इन दीज फेमिडॉम। सारा का सारा सीमेन ये कलेक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से सीमेन ऊपर यूट्रस में नहीं जा पाएगा। अगर यूट्रस तक नहीं पहुंचे स्पर्म तो फेलोपियन ट्यूब तक तो वैसे ही नहीं पहुंच सकते, वहां तक नहीं पहुंचे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। सो ये जो दो बैरियर मेथड मैंने यहाँ पर बताए, ये जो बैरियर मेथड है, दीज बैरियर मेथड्स आर सिंगल यूज बैरियर मेथड। कैसे है बेटा जी, दीज आर यूज एंड थ्रो बैरियर मेथड, यानी कि आप इसको एक ही बार यूज कर सकते हो। वन कॉन्डम कैन बी यूज्ड ओनली वंस, यू कैन नॉट क्लीन इट एंड री यूज इट। ये मेथड रीयूजेबल मेथड नहीं है, सिंगल यूज डिवाइसेस हैं। अब बेटा कुछ बैरियर मेथड ऐसे भी आते हैं जो रीयूज हो सकते हैं। येस, देयर आर सर्टेन बैरियर मेथड्स विच कैन बी रीयूज्ड। अब ये बैरियर मेथड कौन से बेटा, इसमें आ जाएंगे यूज ऑफ डायाफ्राम। फीमेल बेटा यूज़ करती है। दीज आर डोम शेप्ड डिवाइसेस। कैसे होते हैं बेटा? डोम शेप डिवाइस होती है। ये देखिए इस तरीके से, इससे आपको और बेटर समझ आएगा। ठीक है, डोम शेप डिवाइसेस which will be inserted in the vagina, it will cover the cervix and it will collect the semen। ठीक है, और क्या हो सकता है? There are vaults, cervical caps, cervical caps। ये तीनों बेटा ऐसे मेथड हैं जो फीमेल के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जिससे सर्विक्स जो है वो कवर हो जाएगा और सारा सीमेन ये मेथड्स, ये बैरियर्स कलेक्ट कर लेंगे और ऊपर तक नहीं जाने देंगे। ठीक है, यस, ऊपर तक नहीं जाने देंगे। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये मेथड, ये जो डायफ्राम है, वॉल्ट है, सर्विकल कैप है, ये आप एक बार यूज़ करके दोबारा स्टेरिलाइज करके धोकर फिर से भी यूज़ कर सकते हो। सो दीज कैन बी रीयूज्ड। बट इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इनकी एफिशिएंसी को बेटा जी बढ़ाने के लिए इनके साथ क्या यूज़ किया जाता है? इनके साथ बेटा हम यूज़ करते हैं स्पर्मीसिडल जेलीज। वी यूज़ spermicidal jellies along with diaphragm, vault and cervical caps so that इसकी efficiency बढ़ जाए। ये चीज़ याद रखना कि इन मेथड को अकेला नहीं यूज़ किया जाता, अकेले थोड़े से inefficient है। इसके साथ क्या यूज़ करते हैं? spermicidal cream। spermicidal मतलब sperm killing, सिडल वर्ड आ जाए यानी कि किलिंग। जैसे पेस्टिसाइड नहीं होता, पेस्ट किलिंग, हर्बिसाइड हर्ब किलिंग, तो स्पर्मिसाइड स्पर्म किलिंग। यस, तो इन तीनों के साथ स्पर्मिसिडल जेलीज यूज की जाती हैं सो दैट इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। क्लियर है? बैरियर मेथड, बैरियर मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड बिकॉज इट नॉट ओनली प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, इट ऑल्सो सेव्स द कपल फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ STD। याद रखेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा कर रखता है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा कर रखता है। हाँ जी, नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज कॉल्ड एज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस विच इन शॉर्ट इज कॉल्ड एज IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस और IUCD। ये जो बेटा मेथड है, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा बेटा इसी को यूज़ किया जाता है। अब इसका नाम ही देखो यार, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि यूट्रस के अंदर कुछ ना कुछ इंसर्ट कर रहे हो। इंट्रा यानी कि इनसाइड। अब जो भी इंसर्ट कर रहे हो फीमेल में ही कर रहे हो ना, यानी कि ये जो मेथड है, ये मेथड कौन यूज़ करेगा? फीमेल। मेल का तो इसमें कोई रोल नहीं है। अब हमारे पास टोटल 3 तरीके के IUDs है। वी हैव टोटल 3 टाइप्स ऑफ IUCDs, 1, 2 and 3। फर्स्ट टाइप ऑफ IUD इज द बायोलॉजिकली इनर्ट IUD। फर्स्ट टाइप कौन सा आ जाएगा? बायोलॉजिकली इनर्ट IUD। ठीक है, सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज कॉपर बेस्ड IUD एंड थर्ड टाइप जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, दैट इज हॉर्मोनल IUD। ठीक है, बायोलॉजिकली इनर्ट IUD में बेटा आ जाएगा आपके लिपेज लूप, लिपेज लूप। ठीक है, ये जो बायोलॉजिकली इनर्ट का मतलब ही क्या है कि दे वोंट डू एनी काइंड ऑफ रिएक्शन विद द, दे वोंट डू एनी काइंड ऑफ बेटा रिएक्शन विद द बॉडी। ये नॉन मेडिकेटेड IUD है, बायोलॉजिकली इनर्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हो नॉन मेडिकेटेड IUD। ठीक है, अब अच्छा IUD तो था, यूज़ भी कर रहे थे, लेकिन इससे ना एक प्रॉब्लम हो गया। इससे क्या प्रॉब्लम हुआ? इट स्टार्टेड कॉजिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी तो बेटा नहीं हुई, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसने कॉज करनी शुरू कर दी। इसने इम्प्लांटेशन बेटा यूट्रस में तो अवॉइड कर दी, बट कहीं और जाके इम्प्लांटेशन होगी। तो इस मेथड को आज के समय पे हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि बेटा ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज करता है। ठीक, यस। नेक्स्ट आ जाइए कॉपर बेस्ड। कॉपर बेस्ड में आपके पास आ जाएगा Copper T, Copper 7, Multiload, 375। ये एग्जाम्पल है बेटा, Copper T, Copper 7, Multiload, 375। कॉपर बेस्ड IUD क्या है बेटा? इसमें यूट्रस के अंदर वी विल इंसर्ट अ टी शेप डिवाइस। ये देख रहे हो टी शेप डिवाइस। इस टी शेप डिवाइस के बाहर कॉपर वायर ऐसे गोल गोल घूम रही होती है। ये कॉपर वायर क्या रिलीज़ करेगी? कॉपर आयंस रिलीज़ करेगी। ये कॉपर आयंस क्या करते हैं? स्पर्म की फैगोसाइटोसिस कराते हैं। Sperms, they are phagocytosed with the help of this copper. साथ ही में बेटा ये मोटिलिटी भी क्या करते हैं, कम करते हैं. मोटिलिटी भी बेटा जी क्या करते हैं, कम करते हैं. तो इस तरीके से ये प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को कि स्पर्म की फैगोसाइटोसिस. आधे स्पर्म तो मार दिए, जो बच गए बेटा उसकी मोटिलिटी क्या कर दी, कम कर दी. कॉपर बेस्ड यू नो ये जो आईयूडीज आती है ना, ये वैलिडिटी के साथ आती है कि मान लो एक बार इंसर्ट करा ली तो 3 साल की वैलिडिटी है, 3 साल तक काम करेगी. देन 5 साल वाली भी आती है, 20 साल वाली भी आती है. तो जितना कपल को चाहिए टाइम, उतने टाइम की आप आईयूडीज इंसर्ट करा सकते हो. अब ये जो आईयूडी इंसर्शन है, ये इंसर्शन के लिए क्या सर्जरी चाहिए होती है? नहीं बेटा, ये जितना भी हमने इंसर्शन की बात की, दिस इज नॉन सर्जिकल मेथड, दिस इज नॉन सर्जिकल मेथड. लेकिन ये इंसर्शन खुद नहीं हो सकती. इंसर्शन होगी कहाँ से? वजाइना से होगी. लेकिन इस इंसर्शन के लिए हमें कोई नर्स, कोई डॉक्टर या यू नो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए जो आईयूडी को इंसर्ट करने में हेल्प करेगा. सर्जरी नहीं चाहिए लेकिन, ठीक है. दिस इज नॉन सर्जिकल मेथड. ओके, लास्ट वन इज हार्मोनल आईयूडी. हार्मोनल आईयूडी में बेटा आपके पास एग्जांपल आ जाएगा प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20, LNG-20. LNG इज लेवोनोजेस्ट्रल, लेवोनोजेस्ट्रल 20. ये हार्मोनल आईयूडी का नाम ही हार्मोनल आईयूडी बेटा क्यों हुआ? हार्मोनल कॉपर बेस्ड का नाम तो इसीलिए क्योंकि वो कॉपर आयन रिलीज करेगा. हार्मोनल आईयूडी का नाम ही हार्मोनल इसीलिए क्योंकि यहाँ से सिंथेटिक हार्मोन निकलते हैं. अब ये सिंथेटिक हार्मोन्स कौन से हैं? यहाँ से क्या निकलता है बेटा? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ठीक है. ये जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है ना, बड़े सारे काम कर देता है. यस, ये क्या कर देता है बेटा? बहुत सारे काम कर देता है. अगर सिंथेटिक हार्मोन्स बेटा कहीं भी निकलते हैं, सबसे पहले तो बेटा ये नेगेटिव फीडबैक देंगे. याद रखना, अगर मैं बात कर दूं कि प्रोजेस्टेरॉन आया तो वो ये सब काम कर सकता है. इट विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी. सबसे पहली चीज़ तो बेटा नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से FSH नहीं आएगा एंड ओव्यूलेशन इज गोइंग टू बी प्रिवेंटेड. एक तो ये काम होगा, ठीक. सेकंड काम, ये सर्विकल म्यूकस को क्या करता है? सर्विकल म्यूकस को क्या बनाता है? बड़ा मोटा, थिक बना देगा, जिसकी वजह से स्पर्म अच्छे से एंट्री नहीं ले पाएंगे. सर्विक्स में म्यूकस इतना थिक है कि स्पर्म ट्रैप हो गए. तीसरा बेटा, तीसरा और आखिरी काम बेटा ये क्या करता है? थर्ड एंड द लास्ट वर्क दैट इट डज इज इट विल मेक द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, इट विल मेक द यूट्राइन एंडोमेट्रियम इनहॉस्पिटेबल, इट विल मेक द यूट्राइन एंडोमेट्रियम इनहॉस्पिटेबल, ठीक है. कि एंडोमेट्रियम को ऐसा बना देगा कि वो इम्प्लांटेशन होने ही नहीं देगी. यस, एंडोमेट्रियम को ऐसा बना देगा कि वो इम्प्लांटेशन होने ही नहीं देगी. तो जब भी आ जाए हार्मोनल मेथड, चाहे वो दवाई में हार्मोन हो, पिल में, चाहे इंजेक्शन के अंदर हार्मोन हो, चाहे कैप्सूल के अंदर हार्मोन हो, यही 3 मोड ऑफ एक्शन रहेंगे. ये 3 बेटा मैंने क्या बनाए? ये 3 मैंने क्या बनाए? दीज आर द mode of action of the hormonal method, be it IUD, be it a tablet, be it a pill, be it a implant, be it injection. Yes, हाँ जी बताइए, क्या ये बात समझ आई? This is MOA, mode of action. Inhospitable का मतलब होता है कि जो बंदा आवभगत नहीं करता ना, किसी की आवभगत हुए, यार हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब जो मेहमान आते, मेहमान नवाजी. यस, एंडोमेट्रियम के घर मेहमान आते हैं. मेहमान कौन आए? ब्लास्टोसिस्ट आए. अगर तो बेटा उसने अच्छी मेहमान नवाजी की तो ब्लास्टोसिस्ट अंदर घुस के इम्प्लांट हो जाएंगे. लेकिन अगर एंडोमेट्रियम ने नखरे दिखाए, गंदा रूड टाइप का होस्ट निकला, अच्छी मेहमान नवाजी नहीं की, तो बेटा वो होगा इनहॉस्पिटेबल. फिर ब्लास्टोसिस्ट कहेगा मैं आऊँगा ही नहीं, मैं नहीं आऊँगा तेरे घर पर, मैं बाहर ही ठीक हूँ, ठीक है, मैं बाहर ही ठीक हूँ. यस, मोर्टैलिटी मीन्स डेथ रेट. स्नेहा, मोर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ. हाँ जी, चलिए आगे चलें. तो अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज द मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो आप बोलेंगे मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड इज आईयूडी, जिसके इंसर्शन के लिए हमें एक ट्रेंड प्रैक्टिशनर तो चाहिए बट सर्जरी नहीं चाहिए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, oral contraceptive pills, दवाई, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, ओ सी पी ओरली यानी कि टेबलेट की फॉर्म में जो दवाई ली जाती है इसको बोला जाएगा OCP। दो तरीके की बेटा OCP हो सकती है, वन इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन पिल, अदर वन इज कॉल्ड एज मिनी पिल। कॉम्बिनेशन पिल एंड मिनी पिल। कॉम्बिनेशन पिल का क्या मतलब होता है, इसमें दो हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन है। कौन से दो हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन भी है और एस्ट्रोजन भी है। P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, E फॉर एस्ट्रोजन। मिनी पिल में बेटा क्या आएगा, ओनली प्रोजेस्टेरॉन, मतलब प्रोजेस्टेरॉन तो होगा ही होगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन तो होगा ही होगा। दो तरीके की पिल्स बेटा दी जा सकती हैं, कॉम्बिनेशन पिल और मिनी पिल, आइदर ओनली प्रोजेस्टेरॉन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन। अब बेटा इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो मार्केट में पिल्स आती हैं, एग्जाम्पल माला D, माला N, हाँ जी ये पिल के नाम है। ये पिल कैसे आती है, इस पत्ते में आती है। मान लीजिए जैसे ये एक पत्ता है, ठीक है, टोटल पत्ते में कितनी गोलियाँ, 28 गोलियाँ, मान लो 28 गोलियाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 21 गोलियाँ, 7 7 7, 21 गोलियों के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, हार्मोन प्रेजेंट होंगे। बचे हुए 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो बेटा पिल्स होंगी ये कैसे पिल्स होंगी, आयरन पिल्स होंगी। ये जो बेटा पिल्स हैं ये कैसे पिल्स हैं, हार्मोनल पिल हैं, समझ रहे हो। फीमेल को बोला जाता है तुम्हें रोज़ दवाई खानी है। कौन सी दवाई खानी है, 21 दिन येलो कलर का, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे येलो कलर होता नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि 21 दिन बेटा ये वाली पिल खानी है और बचे हुए 7 दिन ये खानी है। ऐसा क्यों, हम चाह रहे हैं कि 21 डेज कैसे खानी है बेटा, 21 + 7, ये 21 डेज हार्मोन लगातार खाने हैं, ताकि 21 डेज ये 3 चीज़ें रहें, समझ रहे हो। MOA यही है, सेम MOA, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी कि 21 डे तक कोई ओव्यूलेशन ना हो, 21 डे तक सर्विकल म्यूकस थिक हो, 21 डे तक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो, इनहॉस्पिटेबल हो। तो 21 दिन ये 3 प्रोसेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे ही बेटा वो इस पिंक वाली पिल पे शिफ्ट होगी लास्ट 7 डेज के लिए, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही घटेगा वैसे ही बेटा मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। तो फीमेल का रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा कि इतने दिन हार्मोन खाए, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई, कोई ओव्यूलेशन नहीं हुई, एंडोमेट्रियम भी इनहॉस्पिटेबल थी, म्यूकस भी थिक था। बचे हुए 7 दिन आपने हार्मोन नहीं खाए, यानी कि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन कम, तो मेंस्ट्रुएशन हो गई। तो इस समय मेंस्ट्रुएशन होगी, इस समय नहीं होगी, इस समय होगी, इस समय नहीं हुई। क्या आपको MOA समझ आया, बताती हूँ कैफ, बता रही हूँ। क्या आपको MOA समझ आया कि हो क्या रहा है, कि 21 + 7 कैसे काम कर रहा है, 21 + 7 किस तरीके से काम करता है, कि 21 डेज हॉर्मोन्स, ताकि ये 3 तरीकों से, ये तरीके बेटा याद रखेंगे, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, सेम MOA है, जहाँ भी हॉर्मोन्स आ जाए यही MOA है, यस, ठीक है, यस, हाँ जी। अब बेटा बात करते हैं कि ये जो हमने IUDs लगाई, ये जो OCPs ले रहे हैं, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। देखिए बेटा आपने IUDs ली, ये IUD था, IUD में आपने जो हार्मोनल IUD ली या कोई भी ले, IUD में आप बॉडी में कुछ बाहर से इंसर्ट कर रहे हो। तो कुछ फीमेल्स में, इट इज़ इंडिविजुअल स्पेसिफिक, कुछ फीमेल्स में बेटा पेन होती है, कुछ फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, कुछ फीमेल में IUD से इरिटेशन होती है यूट्रस में। तो इट वेरीज़ फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, कुछ को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये पेन रिलेटेड, इरिटेशन रिलेटेड, कुछ को नहीं होते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ OCP। OCP में तो आप क्या ले रहे हो बेटा, हार्मोन ही ले रहे हो। अगर तुमने बॉडी को आदत डाल दी कि यार प्रोजेस्टेरॉन पहले 21 दिन फिर गैप, फिर 21 दिन फिर गैप, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन बॉडी तो नहीं बनाना ही भूल जाएगी, है ना। तुम बाहर से ही देते जा रहे हो हार्मोन, बॉडी तो बेटा प्रोजेस्टेरॉन बनाना भूल जाएगी। यानी कि इन OCPs की वजह से भी कई बारी कुछ फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, कई बारी कुछ फीमेल्स में वेट गेन हो जाता है, कई बारी कुछ फीमेल्स में फेशियल एरिया में हेयर आने लगते हैं जिसको हिरसुटिज्म बोलते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। कई बारी कुछ फीमेल्स में इससे घबराहट, नॉजिया जैसी फीलिंग भी आने लगती है। अगेन इट इज़ इंडिविजुअल स्पेसिफिक, कुछ फीमेल्स में होता है कुछ में नहीं होता है, तो साइड इफेक्ट्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, ठीक। लेकिन इसको बहुत आसान मेथड बोला जाता है, इट इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज मेथड्स इन वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना, एक बारी डॉक्टर के पास जाएंगे, पिल लिखवा के आ जाएंगे और फिर हमेशा बहुत इजी लगता है सबको ये मेथड, क्योंकि एक गोली तो खानी है बस, और क्या करना है ना। यस, बेटा ओसीबी में ओव्यूलेशन कराने की ज़रूरत ही क्या है पिंकी, हमने प्रेगनेंसी तो करनी नहीं है, तो ओव्यूलेशन करा के करेंगे क्या, वी डोंट नीड ओव्यूलेशन इन दिस केस, वी डोंट नीड। बट हाँ, मेंस्ट्रुएशन होगी, मेंस्ट्रुएशन बेटा इस इन 7 दिनों में हो जाएगी क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटेगी, लेकिन ओव्यूलेशन की तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसीलिए हो ही नहीं रही। चलिए, तो ये बात होगी बेटा ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अगला मेथड जो इससे मिलता जुलता है दैट इज इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, t.me/seepmam, बस ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे जाओ, ये डालो या फिर डालो सीप पाहुजा बायोलॉजी, ठीक है, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, ओपन हाउस का लिंक भी वहीं आएगा। हाँ जी, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट। इंजेक्टेबल भी बेटा हॉर्मोनल मेथड ही है, ये क्या है बेटा, दोनों के दोनों हॉर्मोनल मेथड है, यानी कि सेम मोड ऑफ एक्शन होगा। अंतर क्या है बेटा, अंतर ये है कि जो दवाई खाई थी ना, ओसीपी ली थी, ये जो ओसीपी ली थी, ओसीपी में ना रोज़ का झंझट है कि रोज़ गोली खानी है, फिर याद रखना है कि 21 दिन इस रंग की खानी है, 7 दिन इस रंग की खानी है, फिर 21 दिन तो ये ना एक माइंड में फीमेल के हमेशा रहता है कि यार कुछ करना है, कुछ करना है। आप इससे मुक्ति चाहते हो कि मुझे याद ना रखना पड़े, तो बेटा याद ना रखने का लेजी फीमेल्स के लिए ये मेथड आ जाता है, जिसमें आ जाते हैं इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स में बेटा हम लोग स्टडी करते हैं एक इंजेक्शन, इंजेक्टेबल्स की बेटा एग्जांपल है डेपो-प्रोवेरा। इस इंजेक्शन के अंदर भी क्या होगा, या तो प्रोजेस्ट्रॉन होगा सिंथेटिक, या फिर प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, मोड ऑफ एक्शन सेम रहेगा, उसी तरीके से बेटा प्रिवेंट करेगा। लेकिन ये इंजेक्शन काम कर लेता है 3 महीने तक, यानी कि एक बार ही आपने इंजेक्शन लगवाया डेपो-प्रोवेरा का, आप मुक्ति हो गई, अब 3 महीने तक कुछ नहीं सोचना, कोई दवाई नहीं खानी, किसी के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। तो दिस इज मोर कन्वीनियंट मेथड, कन्वीनियंट हॉर्मोनल मेथड देन द योर ओसीपीज, ठीक है, ये क्या है, कन्वीनियंट है। हाँ जी, आगे आ जाइए इम्प्लांट्स। अब इम्प्लांट क्या चीज़ होती है, इम्प्लांट होती है बेटा स्किन के अंदर ना, सब डर्मली थोड़ा सा स्किन के अंदर एक लेयर अंदर हम छोटे छोटे कैप्सूल्स इंसर्ट करते हैं, कितने छोटे, माचिस की तिल्ली जितने नहीं होते इतने इतने, बहुत पतले पतले माचिस की तिल्ली जितने कैप्सूल डालेंगे, दोज आर कॉल्ड एज इम्प्लांट्स। अब उन इम्प्लांट्स में भी क्या होगा, यही हॉर्मोन, मैंने बोला ये भी हॉर्मोनल मेथड है, या तो बेटा प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा उसमें धीरे धीरे, या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन निकलेगा। सो इसमें क्या आ जाएंगे, कैप्सूल्स आ जाएंगे, छोटे छोटे कैप्सूल्स आ जाएंगे। अब 2 तरीके के बेटा कैप्सूल्स हो सकते हैं, या तो तुम 6 वाला ले लो कि जिसमें 6 छोटे छोटे कैप्सूल है, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 छोटे छोटे बेटा कैप्सूल्स अंदर जा रहे हैं, दैट टाइप ऑफ इम्प्लांट इज कॉल्ड एज नॉर्प्लांट, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्प्लांट लेते हैं। अब ये नॉर्प्लांट बड़े फायदे का है कि 6 कैप्सूल तुमने स्किन के अंदर इंसर्ट करा ली, सर्जरी नहीं करानी है, बिना सर्जरी के हो जाता है, बिल्कुल सबडर्मली स्किन में इंसर्ट करा लिए, तो फायदा क्या है बेटा, 5 साल तक का वैलिडिटी मिल जाता है, 5 ईयर, मतलब 5 साल अब आपको कुछ नहीं सोचना है, आपने इंसर्ट करा लिए, दैट्स इट। देन एक और कैप्सूल आता है बेटा जिसमें सिंगल कैप्सूल इंसर्ट होता है, देयर इज अ सिंगल इम्प्लांट, ठीक है, इसको अपने बोलते हैं इम्प्लानॉन, इसका नाम है इम्प्लानॉन। इम्प्लानॉन बेटा 5-6 साल तक तो नहीं, बट यस 3 ईयर्स की वैलिडिटी के साथ आता है, यूजुअली 3 ईयर्स की वैलिडिटी के साथ आता है। सब में क्या होगा, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। मैं आपको दिखाती हूँ यार इम्प्लांट कैसा दिखता है, लेट मी जस्ट शो यू, ये देखिए, देख रहे हैं, दिस इज़ हाउ इम्प्लांट लुक लाइक्स, ये माचिस की तिल्ली की तरह है, बहुत पतले पतले कैप्सूल हैं, दे आर प्लेस्ड अंडरनीथ द स्किन विदाउट एनी सर्जरी, ठीक है। ये कौन पूछ रहे हैं, मिस्टर ऑफिशियल पूछ रहे हैं कि मैम कितने मंथ्स तक पिल्स देते हैं। बेटा जितने मंथ्स तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी उतने मंथ्स तक पिल्स लोगे। जब आप बच्चा चाहते हो, व्हेन यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट यू कैन लीव द पिल्स। ठीक है, सिंपल है। ये तो कपल की चॉइस है कि वो कितने मंथ्स तक पिल्स लेना चाहते हैं। हाँ जी बेटा, ओके मिस्टर ऑफिशियल। ओके बेटा, हाँ जी। तो ये बात हो गई आपके इम्प्लांट्स की। क्लैरिटी सबको पता चल गया। अब बेटा तुम्हें मैंने बता दिया कि ये सारे हार्मोनल मेथड है। हार्मोनल आईयूडी हार्मोनल है, ओसीपीज हार्मोनल है, इम्प्लांट्स हार्मोनल है, इंजेक्टेबल्स हार्मोनल है। हार्मोन्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ कुछ फीमेल्स में होते हैं। तो यार अब मैं चाहती हूँ कि कोई नॉन हार्मोनल मेथड बता दो, है ना। हम नहीं चाहते कि हम अपने अंदर हार्मोन्स लें। तो अगर आ जाते हैं हम नॉन हार्मोनल पिल की तरफ, नॉन हार्मोनल पिल देखें तो आपके पास आ जाती है सहेली। सहेली इज सेंटक्रोमैन, स्टार्टिंग में भी बताया था। ये जो सहेली है बेटा किसने बनाई, बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इज द फर्स्ट, CDRI is the first institute to develop a non-hormonal, non-steroidal pill which is called as सहेली। ताकि बेटा पिल भी हो गई और अपना हार्मोन्स भी नहीं गए। इसको अपने लोग नॉन स्टेरॉयडल भी बोलते हैं, इट इज़ नॉन स्टेरॉयडल पिल। अब सहेली के बड़े फ़ायदे हैं। एक तो बेटा इसमें हार्मोन्स अंदर नहीं जा रहे, दूसरा रोज़ रोज़ लेने का झंझट नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ वंस अ वीक पिल, वंस अ वीक पिल बेटा जी। ठीक है, हफ्ते में आपको ये पिल एक ही बारी लेनी है। इट इज़ वंस अ वीक पिल विच इज़ सहेली। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगी, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द MOA, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा बेटा जी। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें, इट एक्चुअली ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर। तो बेटा कितना भी एस्ट्रोजन आता रहे, एस्ट्रोजन आ रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। अगर एस्ट्रोजन काम नहीं कर पाएगा तो कौन पॉजिटिव फीडबैक देगा, FSH को। मेंस्ट्रुअल साइकिल याद करो, अगर FSH को पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिली, LH को पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिली तो ओव्यूलेशन कैसे होगी, ओव्यूलेशन नहीं हुई तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, है ना। सो दिस इज हाउ सहेली वर्क्स, इट ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ठीक है, ये कौन है भैया, हाँ जी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसको मिस प्रियंका चौधरी बोलूँ या मिस्टर प्रियंका चौधरी बोलूँ। हाँ जी, ओके चलो यार, ये लोग भी आते हैं तो हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता है ना। जैसे प्रियंका चौधरी आए हैं, जो नाम तो लड़की का है लेकिन बोल रहे हैं लड़के की भाषा में, तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा बेटा, जेंडर में ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। और ढूंढ रहे हैं मोनिका को, ओ गॉड। और उसे क्या कह रहे हो, कि मारने की धमकी दे रहे हो, क्या कह रहे हो बेटा। इकोलॉजी और फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी आप जानते हैं कि चल रही थी हमारी, फोटोसिंथेसिस से हमने स्टार्ट करना है। वो हम करेंगे प्रॉब्ली फ्रॉम 10th of March, बिकॉज आई वोंट बी अवेलेबल हेयर फ्रॉम 27 to 7th। आपका ये जो टाइम रहेगा इस समय मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी, बट आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है क्योंकि इस समय आप अपना रिविजन करेंगे। मैं पहले बता कर जा रही हूँ, ठीक है, मुझे ढूंढना नहीं उस समय। टुमारो वी विल मीट, वी विल फिनिश दिस चैप्टर एंड देन 7 days ब्रेक फॉर यू, बट इट्स नॉट अ ब्रेक, इट्स अ रिविजन टाइम फॉर यू। ठीक है, मैं होमवर्क दे के जाऊँगी, आप अपना बैकलॉग खत्म करेंगे। आने के बाद मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा बैकलॉग है, मैं लाइव क्लास नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आने के बाद एक्सटेंसिव मैथ पढ़ाई हमारी शुरू होगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी इन बॉटनी एंड यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो मतलब अगला एक महीना बहुत ही क्रूशियल होने वाला आपके लिए। ठीक है, यस, हाँ जी। तो ये बात होगी नॉन हार्मोनल पिल की, सहेली जो कि एक वंस अ वीक पिल है, नॉन स्टेरॉयडल पिल है। किसने बनाई है, CDRI लखनऊ। इसमें से हर क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब तुम नोटिस करो यार, ये सारी पिल्स आर टेकन बाय फीमेल्स। ये तो सब दवाइयाँ फीमेल खा रही है, चाहे OCP है, चाहे इंजेक्शन लगवाने का काम है, चाहे इम्प्लांट डलवाने का काम है, सारा काम तो बेटा फीमेल ने कर लिया। क्या मेल के लिए कोई पिल नहीं बनती? मेल्स भी सोचते होंगे कि यार मेल्स, हम लोग को मुक्ति मिल गई, वी आर द हैप्पीएस्ट वन, क्योंकि हमें कोई परेशान करने वाला नहीं है। बेटा मेल्स के लिए भी पिल आती है, येस, देयर इज़ अ पिल फॉर मेल्स ऑल्सो। मेल्स के लिए भी पिल आती है जिसका नाम है गॉसिपोल। गॉसिपोल क्या करती है? इट प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑल्दो फेमस नहीं है बट है। Okay, there is a pill for males also which is called as Gossypol and this prevents the spermatogenesis। ठीक, तो ये बात हो गई बेटा आपके मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब तक जितने भी मेथड किए सारे रिवर्सिबल मेथड थे, यानी कि जब इच्छा हो आप ये मेथड लगा सकते हैं। जब आपको बच्चे नहीं चाहिए तब आप यूज़ करिए, जब आप प्लान कर लेते हैं बेबीज़ तब आप इसको हटा भी सकते हैं। जैसे मैं आप बताऊँ आपको आईयूडी एक बहुत अच्छा मेथड माना जाता है टू क्रिएट स्पेस बिटवीन टू चिल्ड्रन, है ना, फॉर स्पेसिंग समझते हो कि किसी एक कपल का एक बेबी है, वो चाहते हैं कि अगला बेबी 3 साल के गैप पे हो या 4 साल के गैप पे हो, तो आप आसानी से बेटा आईयूडी लगवा लीजिए। आईयूडी की वैलिडिटी है फॉर एग्जांपल 4 साल। 4 साल बाद आईयूडी रिमूव हो जाएगी, तब आप दोबारा से प्लानिंग कर सकते हैं बेबी की। लेकिन अगर कोई कपल की ऑलरेडी फैमिली पूरी हो चुकी है, अगर बेटा किसी कपल की फैमिली डन है, तो फिर ये टेम्परेरी मेथड पे नहीं जाएगा, फिर वो किस पे जाएगा? परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये जो परमानेंट है वो पक्के काम होंगे, पक्के काम यानी कि यहाँ पर सर्जरी आ जाएगी। सो हेयर इट इज़ गोइंग टू बी अ परमानेंट और द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड दैट सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज प्रिस्क्राइब्ड। किसको बोला जाता है ये मेथड कराने के लिए? प्रिस्क्राइब टू ओनली दोज कपल्स हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जिनको और बच्चे नहीं चाहिए, वो हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली। क्योंकि इसमें सर्जरी होती है, ये मेथड अब दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, होने को हो भी सकता है बट इट्स रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी वेरी पुअर। रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, ठीक है। सो इसीलिए ये मेथड उन्हीं को बोला जाता है करने को जो ऑलरेडी कपल्स अपना फैमिली पूरी कर चुके हैं। ये मेथड बेटा फीमेल्स भी यूज़ कर सकती हैं, मेल्स भी। सो देयर इज़ वन मेथड फॉर मेल्स, या तो मेल्स करवा लें सर्जरी या फिर फीमेल करा लें। अगर मेल सर्जरी कराएंगे उस सर्जरी का नाम है वासेक्टमी। फीमेल्स अगर सर्जरी कराएंगे उस सर्जरी का नाम है ट्यूबेक्टमी। वासेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। वासेक्टमी, टमी इज़ अ सर्जरी। कौन सी सर्जरी? रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ समथिंग। हाँ जी, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ ना कुछ रिमूव हो रहा है। इधर देखो, ये आपके सामने कौन सा एग्जाम्पल है? वासेक्टमी का। वासेक्टमी में तुम देखोगे अ पार्ट ऑफ वास डेफरेंस इज कट। ये वास डेफरेंस है, यहाँ से निकला। वास डेफरेंस को बेटा कट कर दिया सर्जरी से। एंड लूज एंड्स दे आर टाइड विथ सर्जिकल थ्रेड, और इसके जो एंड्स थे उसको धागे से बांध दिया। कौन से धागे से बांध दिया बेटा? सर्जिकल थ्रेड से बांध दिया। दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज वासेक्टमी। अब इससे बेनिफिट क्या है? क्या स्पर्म बन रहे हैं? हाँ जी बन रहे हैं। क्या स्पर्म ट्रांसपोर्ट होके आ पा रहे हैं? नहीं आ पा रहे। यानी कि दिस मेथड इज नॉट प्रिवेंटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अलाउड है, दिस मेथड इज प्रिवेंटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। कि यहाँ तक तो स्पर्म पहुँच गए बट ये ब्रिज क्रॉस कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म रोकी जा रही है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नहीं रोकी जा रही है। ओके, क्या इस केस में सीमेन बनेगा? फिर सोचने में आते हैं कि क्या बेटा इस केस में सीमेन बनेगा? हाँ जी बनेगा। सीमेन में अकेले स्पर्म थोड़ा होते हैं, ये सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन है, प्रोस्टेट की सिक्रीशन है, काउपर्स की सिक्रीशन है। बेटा ये तीनों सिक्रीशन तो है ही ना, तो सीमेन बनेगा। बट दैट सीमेन वुड बी, इस सीमेन में क्या नहीं होंगे? स्पर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्म बेटा यहीं तक पहुंच पा रहे हैं। यहीं पे थोड़ी देर वेट करेंगे, 2 दिन इनका लाइफ स्पैन है, 2 दिन के बाद मर जाएंगे, सारे सेल यहीं पे मर जाएंगे। दिस मेथड इज़ अ परमानेंट मेथड। क्यों? क्योंकि बेटा करने के लिए सर्जरी करी। अब तुम चाहो कि अब मुझे बच्चा चाहिए, तो क्या होगा? इफ़ द कपल अगेन वॉन्ट्स अ चाइल्ड, सर्जरी कैन बी डन, इट कैन बी जॉइंड, बट उसके लिए भी रिक्वायर अनदर सर्जरी। और उस सर्जरी का सक्सेस इज़ नॉट 100% कि वो होगा या नहीं होगा। इसीलिए इस मेथड को ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल ही कंसिडर किया जाता है। अच्छा, फिर आता है क्या इस मेथड का कोई इम्पैक्ट मेल सेक्सुअल डिज़ायर पे होता है? नहीं बेटा, इसका कोई भी इम्पैक्ट मेल सेक्सुअल डिज़ायर पे नहीं होता। सेक्सुअल डिज़ायर, मेल लिबिडो इज़ गोइंग टू बी नॉर्मल। सो लिबिडो इज़ नॉट अफेक्टेड इन दिस केस, ठीक है। ये वर्थ मेंशनिंग है क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन आता है, लिबिडो इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो अगर इसका MOA पूछा जाए, मोड ऑफ एक्शन क्या है, गैमीट ट्रांसपोर्ट इज स्टॉप्ड, गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोका जा रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, सीमेन भी आ रहा है। हाँ जी, फीमेल जो मेथड अडॉप्ट करेंगी, अगर फीमेल सर्जरी कराती हैं, दोनों में से देखो एक ही कराएगा, जिसको ज़रूरत है वही कराएगा। मेल भी करा सकते हैं, मेल ने नहीं कराया फीमेल भी करा सकती हैं। फीमेल की सर्जरी में क्या होगा, बोथ द फेलोपियन ट्यूब्स दे आर कट, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी है ना, ट्यूब को काटना है। कौन सी ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब्स दे आर कट एंड द लूज एंड्स आर टाइड विद सर्जिकल थ्रेड। सर्जिकल थ्रेड से हमने लूज एंड्स को टाई कर लिया है। क्यों? लूज एंड्स आर टाइड विद सर्जिकल थ्रेड। ठीक है, इट इज कट एंड लूज एंड्स आर टाइड। इसमें भी क्या होगा, गैमीट बन रहा है बट गैमीट इस ब्रिज को नहीं क्रॉस कर पा रहे। स्पर्म्स आ रहे हैं बट स्पर्म्स इस ब्रिज को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। ठीक है, स्पर्म्स कैन नॉट क्रॉस दिस ब्रिज, तो इस केस में आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। अच्छा क्वेश्चन, क्या इस फीमेल के में मेंस्ट्रुएशन होगी? हाँ जी, क्या इस फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होगी? खुद सोच के बताइए, क्या इस फीमेल में बेटा मेंस्ट्रुएशन होगी? सोच के देखो। यस, क्या इस फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होगी? हाँ जी बेटा, मेंस्ट्रुएशन में सिर्फ ओवा नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन एंडोमेट्रियम की वजह से हो रही है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनेगी, टूटेगी, बनेगी, टूटेगी, एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल। बस क्या नहीं हो रहा, ओवा का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ से स्पर्म कूद के नहीं जा पा रहे क्योंकि बीच में आपने एक गैप क्रिएट कर दिया है। सो दिस इज द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड दिस परमानेंट मेथड इज द सर्जिकल मेथड कॉल्ड एज वासेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। ठीक है, एग नहीं होगा बट उस मेंस्ट्रुअल यू नो रिलीज में आपका ब्लड ज़रूर होगा, ब्लड होगा, म्यूकस होगा। ठीक है, हाँ जी, हो गया, डन। तो ये सारे क्या हैं आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसके बाद क्या आ जाता है बेटा, इसके बाद आ जाते हैं पोस्ट कोइटल मेथड। ये सब क्या थे, प्रिकॉशनरी मेथड्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर प्रिकॉशनरी मेथड्स बट देयर आर सर्टेन मेथड्स विच आर अडॉप्टेड, देयर आर सर्टेन मेथड्स विच आर अडॉप्टेड आफ्टर हैविंग सेक्शुअल इंटरकॉर्स। ये जितने मेथड थे बेटा हमने बिफोर हैविंग सेक्शुअल इंटरकॉर्स देखे हैं। बैरियर मेथड पहले यूज़ किया जाता है, सर्जरी पहले कराई जाएगी, IUD पहले इंसर्ट कराया जाएगा, OCP पहले ली जाएगी। यानी कि ये प्लानिंग के साथ कर रहे हो कि यू आर using these methods and then you are having sexual intercourse. But sometimes sexual intercourse has happened without any plan. Now still the couple does not want a child, or there could be a case of rape. Sexual intercourse has happened out of rape, but that female does not want that child. These methods are unplanned methods. For them, we also have a contraceptive method. That contraceptive method is called as emergency contraceptive method. या फिर हम इसको बोलते हैं post coital method. Post means after, coitus means sexual intercourse. ठीक है, समझ गए। तो अब जो हम मेथड लिखने वाले हैं वो कौन सा लिखने वाले हैं, पोस्ट कोइटल मेथड। पता चल गया कि इसमें और बाकियों में क्या अंतर है। बेटा समझ आ रहा है तो सेशन को लाइक भी कर दिया करो फटाफट से, है ना, इतनी कंजूसी क्यों, अभी ओपन हाउस भी है। पोस्ट कोइटल मेथड, ठीक है, दिस इज पोस्ट कोइटल मेथड जिसको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं। यानी कि ये पिल्स आपको तब लेनी है, इसको इमरजेंसी मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड बेटा तब अडॉप्ट करना है आफ्टर हैविंग सेक्शुअल इंटरकॉर्स। ये कब करना है बेटा जी, आफ्टर हैविंग सेक्शुअल इंटरकॉर्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इट विल इंक्लूड आई पिल, इट विल इंक्लूड यूज ऑफ प्रोजेस्टिन, हॉर्मोन्स ले सकते हो आप, इट विल इंक्लूड यूज ऑफ IUD। लेकिन ये सब काम, IUD भी डलवा सकते हो, आई पिल भी ले सकते हो, ये सब काम करने हैं विद इन 72 hours of coitus, within 72 hours of coitus, ठीक है। So that method is called as the emergency method of contraception, ठीक है, within 72 hours of coitus, this is the post coital method. I believe it is clear। हाँ जी, बेटा कब तक एग्जामिनेशन होने के चांसेस है ये आपको देखना पड़ेगा, ये मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, आज मैंने रिलीज़ की है, उसमें मैंने बताया कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कब तक होने के चांसेस हैं। हाँ जी बेटा, देयर आर नो सच साइड इफेक्ट्स ऑफ वासेक्टमी। ओके चलिए, सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सारे मेथड्स हमने कर लिए। सबसे पहले हमने किया नेचुरल मेथड, नेचुरल के बाद बैरियर मेथड, बैरियर के बाद आईयूडीज, देन ओसीपीज, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स। एक बार बता दो यार समझ आया कि नहीं आया। अगर आपका कोई डाउट बचता है आप मेरे से ओपन हाउस में पूछ सकते हैं। ओपन हाउस में चालू कर चुकी हूँ, ओपन हाउस का लिंक मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। बाकी बेटा आज 7:30 क्लास है, ये मैंने पिन करा दिया है लिंक। 7:30 डाइजेशन और रेस्पिरेशन की क्लास है, सब बच्चे मुझे चाहिए। कोड लगा दीजिए सीप लाइव टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड, ठीक है, 7:30 पे। ओके, डू एनरोल इन दिस क्लास और मुझे फॉलो कर लो। मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहीं पर होती हैं और इन्हीं फ्री स्पेशल क्लासेस से आप अपनी अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यही क्लास के बारे में बात कर रही थी मैं यार ना। अच्छा ये नहीं यार, आज डाइजेशन की है, ये कल वाली क्लास आ गई, बट आज डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन की है, ठीक है। 7:30 बजे यहाँ पे पिन कर दिया, एनरोल कर लीजिए। बाकी बेटा आपके लिए ऑफर चल रहा है 28 फेब तक है। थ्री मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 33% और 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 28% ऑफ है। कोड लगा दो सीप लाइव एंड एनरोल कर लो, क्योंकि मेरा बैच चल रहा है और भी बहुत सारे बैचेस हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वालों को मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर बताना चाहूँगी, देयर इज़ अ न्यू बैच स्टार्टिंग फॉर यू ऑन February 25th, दैट इज़ अभ्युदय बैच फॉर नीट 2022। इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। बाकी बेटा रैंकर्स बैच है, इसमें भी कर सकते हैं। मेरा खुद का नीट ग्लोरी क्रैश कोर्स है, अल्फा अचीवर्स बैच है, सीयू सेट बैच है, यानी कि इन सब बैचेस में एनरोल करने के लिए आपको एक ही यूनिवर्सल कोड यूज़ करना है। यस बेटा आप सब टीचर से पढ़ सकते हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ बाय यूजिंग सिंगल कोड, ऑल द सब्जेक्ट्स बाय यूजिंग सिंगल कोड, दैट इज़ द सीप लाइफ। बाकी अगर आप ले सकते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन तो लीजिए, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं ले सकते हैं तो प्लस या आइकॉनिक नहीं तो अनअकैडमी लाइट, दैट इज़ टेस्ट सीरीज़ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लो। ये टेस्ट सीरीज़ बेटा अभी तो लो प्राइसेस पे चल रही है, बट उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको प्रॉपर मॉड्यूल वाइज पेपर मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो यू कैन रीच आउट टू अस एट दिस नंबर। 27 फेब्रुअरी को अनअकैडमी प्रोडिजी का टेस्ट है, वो टेस्ट कोई भी मिस ना करे। कभी भी कोई डाउट आता है जो मेरे तक नहीं पहुंच पाता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री में भी डाउट है, तो यू कैन आस्क ऑन अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर, जहाँ पे आप एक से ज़्यादा डाउट भी पूछ सकते हैं एक साथ और अपनी लैंग्वेज में आंसर भी पा सकते हैं। जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो याद रखना कौन सी सब्सक्रिप्शन लें, आइकॉनिक, क्योंकि आइकॉनिक में ही आपको क्या मिलती है, 1-to-1 मेंटोरशिप। क्या मिलती है बेटा जी? 1-to-1 मेंटोरशिप। तो ये आइकॉनिक है, आइकॉनिक में बेटा अभी आप पे ऑफर भी है, तो कोड लगा दीजिएगा सीप लाइफ फॉर द पर्सनल मेंटोरशिप। आई विल नाउ सी यू इन द ओपन हाउस। ओपन हाउस का लिंक है टेलीग्राम पर, आ जाइए, बात करते हैं वहाँ पर, इंटरैक्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई बच्चा भी मेरे से पूछ सकता है। सेशन अच्छा लगता है, समझ आता है तो लाइक करिए यार, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट ज़रूर करके जाना, कमेंट्स में बताइए कि हाउ डिड यू लाइक इट, व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम मी, या फिर कोई भी आपका सजेशन हो, फीडबैक हो, आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक। कमेंट्स में बताओ एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं बेटा 7:30 बजे क्लास में, इस वाली क्लास में, और अभी ओपन हाउस में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।